गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोगों को बताया कि अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग लाइव थे और पता नहीं क्या नेटवर्क एरर थी या कुछ और एरर थी यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो लाइव सेशन था वो बीच में स्टॉप हो गया और ना ही वो लेक्चर सेव हुआ। तो अब वो लेक्चर सेव भी नहीं हुआ, लेक्चर स्टॉप हो गया क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे दोबारा से वो लेक्चर ऑफलाइन लेके आना पड़ रहा है। तो मैं वही लेक्चर दोबारा से ऑफलाइन लेके आया हूँ क्योंकि वो लेक्चर में क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे अच्छे रखे थे, ठीक है। तो मोस्टली यार लाइव में बस यही प्रॉब्लम आती है, बस इसी चक्कर में मैं इसी रीज़न से मैं लाइव नहीं आता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क्स प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है और क्योंकि एक लेक्चर को भी अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का प्रैक्टिस सेट, और आज बाकी लेक्चर आपके पास नहीं आ पाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था मैं आज, ठीक। तो लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए बोला था इसलिए प्रैक्टिस सेट देना, मैंने कहा था एग्जाम तक कंटिन्यू दूंगा तो इसलिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ लिंक मैंने दे दिया है, और ये जो सेट है मैंने सेल्फ बनाया है काफ़ी सारे सेट्स को कॉम्बिनेशन मिला के, इसलिए इसी को ही डाउनलोड करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि बाकी किसी सेट में एक साथ ही सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो कल क्वेश्चन छूट गए थे पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जो है थर्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू 1+i√3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1+α/8, α/16, α/24 और α/32, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये वैल्यू किसकी होती है, -ω² की। ये वैल्यू किसकी होती है, -ω² की। सीधे सीधे वैल्यू रख दो तो 1+-ω²√8 -ω²/16 -ω²/24 और -ω²/32। अब जरा समझना, ये हो गया 1, ω²/16 को जरा 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करो तो 5 यानी 1 बचा, ठीक है। ये हो गया 32, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। 48 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ये हो गया 64, और 64 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ओमेगा बचेगा। ये टोटल वैल्यू हो गई 0, और 1+ω होता है -ω², तो आंसर आ गया हमारे पास -ω²। क्लियर हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया ω+16, 16 को 3 से डिवाइड किया तो 1 बचा, ओमेगा आ गया 62 यानी 32, इसको जरा 3 से डिवाइड किया तो 2 बचा, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ओमेगा बचेगा। ये वैल्यू होती है हमारे पास 0, बचा कितना 1+ω, और 1+ω होता है -ω², तो आंसर आ गया -ω². क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या था, a इज इक्वल टू 2xx0x, a इनवर्स इज इक्वल टू 1-1 0 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी। तो भाई हम लोग a इनवर्स निकाल लेते हैं इसका, a इनवर्स निकालो तो 1/mod a, तो mod a क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 2x2। अब जरा समझना, मैं शॉर्ट में मॉड ए पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम लोग बताओ, सबसे पहले इसका एडजॉइंट ए जब निकालोगे यानी कि को फैक्टर जब करोगे तो ये आएंगे x-x0 और 2x। लेकिन एडजॉइंट जो होता है को फैक्टर के जो मैट्रिक्स होती है उसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ट्रांसफर करोगे तो x-x यानी x0-x और 2x, इतना क्लियर हो गया, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना, तो यार 2x² से डिवाइड कर दो, मैं एक ही लाइन में सब करे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता हम लोगों के पास। ये आ गया इतना, तो कितना आ गया भैया, ये आ जाएगा 1/2x0-1/2x, ये आ जाएगा 1/x,
ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आ गया 1/2x इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1/2, क्लियर हो गया ना भैया। ए इनवर्स निकाल लिया, ये ए इनवर्स इस ए इनवर्स के इक्वल होगा, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ लो एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे यदि किसी एपी का टी एन 3n+7 है, एक एपी है जिसमें टी एन गिवेन है हमको, एनवा पद 3n+7 है, और इसके प्रथम 50 पदों का योगफल निकालना है, देन फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 50 टर्म्स। तो इसके 50 पदों का योगफल हमको चाहिए, ठीक है। तो टी एन गिवेन है, एस एन चाहिए, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ 3n+7, मतलब क्या हुआ 3n और प्लस 7n। अब ये बताओ यार, 3 हो गया, n क्या होता है हमारे पास, n n प्लस 1/2 और 7n, बस कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू पुट कर देनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 50 इंटू 51 प्लस 350, ठीक है। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 1475, आई होप ऐसा आंसर आ रहा था इसका, ठीक है 1475, क्योंकि ये आ जाएगा 3825, 3825, 5527, सॉरी 4175, आंसर आएगा 4175। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 4175, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी लाइव क्लास में कराए थे, इतना क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर है, 4 नंबर क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। कर अंडर रूट -5+12y, ये बताना है, ठीक है भाई। ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे यार, सबसे पहले हमने तुम लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 25 169, 169 कितना आ गया यहाँ पे, रूट करोगे 13 आ गया। अब एक बार करोगे इस 13 में ये वाली वैल्यू ऐड करो, तो -5/2, यानी कितना आ जाएगा 13 -5 8/2, कितना आ गया ये 4, तो ये आ गया 4 और 4 का आ गया 2, इतना क्लियर हो गया। ये कितना आ जाएगा 2, ठीक, यहाँ लिख लो 2, प्लस लगाया बीच में, प्लस लगा दो। अब एक बार क्या करो, 13 + 5/2, 13 5 कितना हो गया 18, 18/2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर आएगा 2+3i, क्लियर, आंसर आएगा 2+3i। अब जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बता दें, सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट आएगा 13, एक बार इस 13 में ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, एक बार इस 13 में ये वाली वैल्यू ऐड करके 2 से डिवाइड करो, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो, बस फाइनल आंसर आ जाता है, क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th नंबर, 1xyz16, ये किस में है, जीपी में है, तो हमको कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन यही है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास 5 नंबर्स हैं जीपी में हैं, अगर 5 नंबर्स जीपी में हैं और एक है 1 एक है 16, तो क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा गेस करो, ठीक है। तो अगर देखो ये हो जाएगा 2, 2 + 4, 4 + 8, 8 + 16 बन सकता है, ठीक। एक शॉर्ट से बता रहा, दूसरा मैं बेसिक बता दूंगा, क्योंकि उसमें बेसिक से लड़कों ने बोला था और मैंने बताया नहीं था, मैं बताऊंगा यहाँ पे बेसिक क्या होता है। तो ये आ गया हमारे पास सीधे सीधे 2, 4, 8, तो सीधे सीधे आंसर कितना आएगा 8, 2, 10, 4, 14, तो आंसर कितना आया 14, क्लियर। ये तो आ गया डायरेक्ट आंसर, बेसिक से समझना जरा, एल इज इक्वल टू कितना है 16 है, L इज इक्वल टू कितना है 16, इज इक्वल टू था ए आर टू पावर n, n कितने हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से एक गया 4, तो r टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो r इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया, r इज इक्वल टू 2। अब ये है 1, ठीक, ये होता 1, ये होता a, ये होता ar, तो
x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, z इज इक्वल टू 8, ठीक। तो 8 टू 10 4 14 आप यहां से भी कर सकते हो। अब क्लियर हो गया ना, दोनों मेथड बता दी, जिससे चलना चाहो उससे कर लो। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आई होप इतना आ गया होगा, ठीक है। और कल से तुम लोगों का इंग्लिश में पैसेज स्टार्ट कर देंगे, तो अब एक सीरीज चलाएंगे पहले पैसेज की, तो इंग्लिश में पहले पैसेज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी अब हमको ही कराना पड़ेगा। तो इंग्लिश की पहले पैसेज की सीरीज चलाएंगे, फिर पैसेज के बाद आपकी कॉमन एरर की सीरीज चलाएंगे, तो लाइन से सीरीज चलेगी, ठीक है, और जो कि समझ में कोशिश करेंगे आना चाहिए, ठीक। क्योंकि अब रूल लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, रूल सबको आते हैं, बस प्रैक्टिस नहीं आती है, तो प्रैक्टिस करानी मुझे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/5 प्लस 2, देन कह रहा है फाइंड द एफ इनवर्स एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आज की प्रैक्टिस सेट में मैंने बोला था सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे, तो मैं एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली, तो सीधे सीधे जब भी एफ इनवर्स एक्स निकाल रहा हूँ तो इसको हम लोग वाई के इक्वल टू मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई के इक्वल टू मान लेते हैं। अब समझना जरा, 1 - x³ की पावर 1/5 इज इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस 2, अगर यहाँ से 5 हटा दिया जाए तो इधर होल पावर 5 आ जाएगा। एक्स क्यूब इधर ले जाओ क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको वाई के इक्वल करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये आ जाएगा 1 - y - 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमको चाहिए क्या x, तो इधर क्या आ जाएगा होल क्यूब, ये आ गया x, और जो ये x आता है रियलिटी में यही होता है f इनवर्स x। तो सीधे सीधे हमारे पास f इनवर्स x डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजीली वे में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आ गया ना समझ में, नहीं आया तो कमेंट कर देना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई कमेंट शेयर करते रहो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि रेखाओं द्वारा घेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, तब k इज इक्वल टू क्या है। इफ ए ट्रायंगल विच इज बाउंडेड बाय द लाइंस एंड हैविंग एरिया इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको सिंपल सा है, कभी भी एरिया निकालना तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू b और y और dx, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब समझना यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, kx है, a कितना है 0 है, और b कितना है k है, और डेल्टा कितना है 4 है, यू गेट dx, बस कुछ नहीं। देखो ये जो दो वैल्यू है x की दी होती है हमको लिमिट, ठीक है, तो 0 टू k हमने मान ली। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो ये आ गया 4 k, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू 4, ठीक है, 0 टू k, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे 4 टू 8, ये जगह k क्यूब, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया, k इज इक्वल टू 2। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है, तो उसको भी देख लें, और काफ़ी बच्चों ने उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाए थे मुझे, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, log x को एल आर एक्स लिखते हैं, ठीक है, इसको एल आर एक्स लिखते हैं जिसमें log r टर्म टाइम्स तक आ रहा है, ठीक, देन फाइंड इंटीग्रेशन 1/x एल एक्स एल स्क्वायर एक्स एल क्यूब एक्स एल एन आर एक्स और dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने एल एन आर एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। अब इसका मतलब क्या है कि log जो है r टाइम्स तक लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो भैया जब log का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x हो जाएगा, जिसको माना फिर से करोगे यानी क्या होगा, यहाँ lx होगा, फिर अगेन होगा एल स्क्वायर एक्स होगा, फिर अगेन होगा, कहाँ तक होता जाएगा l r माइनस वन
और एक्स टाइम्स तक होगा, ठीक। ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया डी टी, यानी इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी, इस टोटल वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं डी टी। तो सीधे सीधे आ गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, तो क्या आ जाएगा लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी हमारे पास, टी की वैल्यू है लॉग एल आर और एक्स। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया लॉग एल आर और एक्स। क्लियर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई भी बच्चा इसका रिप्लाई हमको नहीं दे पाया था इसलिए मैंने तुम लोगों को कराया। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 9 नंबर। लॉग 100 to power 1000, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, समझना इसका आंसर क्या होगा। तो यार जब भी लॉग की दो केस होते हैं, या अपॉन करके लिख लो या शॉर्ट में कैसे करेंगे, समझना इसको सेम बेस में चेंज कर लो, 10 का 2 इसको लिख लो 10 की पावर 3, हमें बस सेम बेस में लिख लिया, जो बेस की पावर्स होती हैं उन्हें ही आंसर आता है, तो इसलिए आ जाएगा 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2, यहाँ से डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 3/2। इतना क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर है। टेन नंबर क्या है, कह रहा है लिमिट यहीं पे हमारे पास स्टॉप हो गया था, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट 1 - 1 + 2 sin² x अपॉन √2x हो जाएगा, ये रूट के अंदर है, तो ये आ जाएगा यहाँ से √2 sin x अपॉन √2 और √x ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे x है, तो लोग एक काम करें इसको लिख सकते हैं √x और √x, तो ये वैल्यू तो हो गई 1, तो हमारे पास बचा कितना √x, और √x क्या है x टेंस टू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। और कई बच्चे गलती करते टाइम इसका आंसर 1/√2 लिखते हैं, कई बच्चों ने ऑप्शन में दिया था 1/√2, जो कि क्या होता है गलत होता है भैया, समझो ना, यहाँ पे ये √2 और √x हो गया, ठीक है, तो हमें √x चाहिए होगा, √x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो sin x / x बना, तो बचा क्या √x, √x बचा, तो क्या होता है √x की जैसी लिमिट लगाओगे वैसे हो जाता है 0, तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर है। 3x + y^7, इसके विस्तार में मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो बताओ n इज इक्वल टू कितना है 7, तो टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक। जब भी टोटल नंबर 8, यानी कि हमारे पास हो गया इवन पावर, और मैंने तुम लोग बाइनोमियल के लेक्चर में बताया भी है कि अगर इवन पावर होता है तो सीधे सीधे इवन अपॉन 2, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म, ये जो आता है इसका हाफ कर दो उसका जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं मिडिल टर्म, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म, यही हमें ऑप्शन में दे रखे थे, तो आंसर भी मेरे पास क्या आएगा फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ठीक। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है EQUATION, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो सीधे सीधे सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर कितना आएगा 8 factorial, जितना है उतना देख लो, तो 8 अगर कोई रिपीट होता, सपोज दैट यहाँ पे 8 2 times रिपीट हो जाता तो यहाँ पे हो जाता 2 factorial, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 factorial। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन हमने जितने बना पाए थे मैंने सारे करा दिए, ठीक है, तो आज का लास्ट है 13, तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है 13 या 14 नंबर होगा, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारे पास 20C13 + 20C14 और -20C6 - 20C7, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ, ये पूरी मैंने बताया था तुम लोगों के लिए, जो बुक बना रहा हूँ वही बुक है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये जल्दी से क्रिएट हो जाएगी, इसको फिर हम अपलोड कर देंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो समझना यार, अगर हमें पता है कि NCR होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो 20C, जब ये सबट्रैक्ट करो C1,
इसको क्या लिख सकते हो, 20c कितना लिख सकते हो, 6। अच्छा माइनस क्या लिखा, 20c6 माइनस 20c7, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो सीधे सीधे आंसर हमारे पास डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, 0। तो ये थे आज के क्वेश्चन। और लाइव क्वेश्चन में बस यही प्रॉब्लम आती है यार कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि पता नहीं नेट क्या प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक है। और आज तो कुछ अच्छा खासा चल रहा था और एकदम सडन से प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या हुआ, तो इतना आ गया होगा और जितना हो गया, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास समस्या यार ही फिजिक्स, तो यार फिजिक्स के लिए देखो मुझे आउट ऑफ सिलेबस करना पड़ जाएगा, फिजिक्स के लिए पहले थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, इसलिए फिजिक्स मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और इंग्लिश का तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैथ्स जैसे है वैसे कंटिन्यू वे में आपकी चलती रहेगी। वाई ग्रुप की भी बच्चे टेंशन ना लें, वाई ग्रुप की, क्योंकि मैं बैंक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जो अर्थमेटिक है वो वाई ग्रुप में ही आ जाएगी आपकी। तो अर्थमेटिक जब लेक्चर आएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा वाई ग्रुप का, और सेपरेटली रागा का लेक्चर हम बना ही रहे हैं। और दिक्कत ये आ रही, रागा का लेक्चर तो बना दें लेकिन जो उसकी करंट आ रही हो तो प्रीवियस होगी, ठीक है। तो इसलिए रागा का लेक्चर हमको खुद रागा का प्रैक्टिस सेट बनाना पड़ेगा, तो हम खुद उस प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट को बनाने के बाद ही आपको अपलोड करेंगे, और जो हम सेल्फ बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा हो, क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे, क्योंकि बुक्स में कुछ क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न के होते हैं, कुछ नए होते हैं, तो बुक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए पीडीएफ मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लो, और सारे लेक्चर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पे जिसकी पीडीएफ लाइन से चाहिए तो लाइन से आप डाउनलोड कर सकते हैं 102 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो इतना एंजॉय करो तब तक, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।